बताइए नाम से साहब। लॉर्डशिप, दिस इज रिपीट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 439। व्हाट आर द चेंज सर्कमस्टेंसेस? लॉर्डशिप, इन ट्रायल कोर्ट प्रोसिक्यूटरिक्स एंड हर पेरेंट्स, इन्होंने शपथ पत्र दिया हुआ है और मैं दे रहा हूँ। डीएनए रिपोर्ट इज पॉजिटिव इन दिस केस। बताइए इन्होंने क्या कह दिया शपथ पत्र में? लॉर्डशिप, इन्होंने राजीनामा भी किया हुआ है, उससे क्या होता और एज के लिए कंपाउंडेबल है क्या ये ऑफेंसेस? नहीं है, डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव है, केवल 506 को कंपाउंड किया है माननीय ट्रायल कोर्ट ने। ठीक है, हो सकता है कर दिया गया। एज को लेके भी शपथ पत्र दिया है लॉर्डशिप। क्या दे दिया शपथ पत्र? ये जेल जाएंगे, इन पक्षकार से पूछ लीजिए, पूछ लीजिए, पूछ के बता दीजिए कि वेदर शी वुड लाइक टू गो टू जेल। क्या क्योंकि अगर उसने वहां गलत स्टेटमेंट दिया न्यायालय के सामने 164 में अपनी आयु के बारे में, और यहाँ जो है वो शपथ पत्र देके बता रही है कि उसकी आयु ज्यादा है, तो शी विल फेस दी कॉन्सिक्वेंसेस। आप छूट जाएंगे, वो जेल चली जाएगी। ऐसे इन शपथ पत्रों की क्या वैल्यू है, एविडेंशियरी वैल्यू है, बताइए। और सर ये भी केवल 19 ईयर का है एज पर रिकॉर्ड। ठीक है, ठीक है, और उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि इस प्रकार के शपथ पत्रों की क्या वैल्यू है। एक व्यक्ति केस लगाएगा पहले 363, 366, 376, उसके बाद में जो है पॉक्सो एक्ट भी है, 5L6 पॉक्सो एक्ट, उसके बाद में कह देगा नहीं मैं तो उस वक्त खिलवाड़ कर रही थी जी सर, और मेरी आयु तो ज्यादा थी। इसमें बोल भी रहा है लॉर्डशिप की मैंने जो बयान और जो कार्रवाई की है वो दूसरों के बहकावे में आकर। डीएनए रिपोर्ट का क्या करेंगे? डीएनए लॉर्डशिप मैच है उनके क्लॉथ से, और क्लॉथ को इन्होंने एग्जिबिट नहीं कराया, पीड़िता से एग्जिबिट नहीं कराया है, वो ट्रायल कोर्ट देखेगा कि उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। और लॉर्डशिप जो इसमें कंसेंट भी है 161 में पूरी तरह इसने कंसेंट भी बोला है, एज के लिए सर्टिफिकेट, एज के लिए शपथ पत्र दिया है। शपथ पत्र से एज नहीं आती ना। और कहाँ तक पढ़ी है? नवी पास है, नवी पास है तो स्कूल का सर्टिफिकेट होगा ना, उसमें क्या डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है? इसमें 24/6/2006 लिखा हुआ है। बताइए वो तो आज भी बालिक नहीं है। कौन सी क्लास का है ये भी तो देखिए, क्लास का है, क्लास वन का तो है भी नहीं ना लॉर्डशिप, क्लास सिक्स का है। क्या कर रहे हैं, जो अवेलेबल है वो लगा दिए। आप लगा दीजिए क्लास वन का, जब पीड़िता आपके ऊपर इतनी मेहरबान है आप लगा दीजिए क्लास वन का, जहाँ वो पहली बार स्कूल गई थी, वो रजिस्टर की कॉपी लगा दीजिए। जी लॉर्डशिप, रिकॉर्ड में इन्होंने बिल्कुल नहीं लिया है कि क्लास वन वो कहाँ से पढ़ी और कहाँ से उसका मंगवाया जाए। पीड़िता आपको बताएगी ना, क्लास शी हैज टर्न होस्टाइल, शी इज सपोर्टिंग यू, यू कैन ऑलवेज आस्क हर कहाँ से पढ़ी हो, फर्स्ट क्लास कौन से स्कूल में, चलो भाई ले लेते हैं रजिस्टर की कॉपी। लॉर्डशिप एज पर रिकॉर्ड जो है इन्होंने क्लास नवी की मार्कशीट लगाई है, अगर एज के लिए देखा जाए तो इससे स्ट्रॉन्ग तो हमारा ही एविडेंस है, हमने शपथ पत्र दिया हुआ है पिता। सेवंथ की है, क्लास सेवंथ की मार्कशीट। क्या लिखा है इसमें सर? 24/6/2006 लिखा हुआ। बताइए, अभी भी 16 साल की उम्र है, अभी भी 18 नहीं है इसके मुताबिक। और क्रॉस एग्जामिनेशन में सर ये बोल रहा है कि मेरी शादी को 19 साल से अधिक हो गए हैं, और मेरी शादी के एक साल बाद ही, एक डेढ़ साल बाद ही पीड़िता का जन्म हुआ था। चलिए वो बोल रहा है, ठीक है, तो जन्म प्रमाण पत्र पेश कर दें। जी लॉर्डशिप, एक दो महीने निकल जाने दीजिए लॉर्डशिप, बाद में मेजर हो जाएगी। नहीं, बाद में तो अब डीएनए मैच है तो जेल जाना ही है, जो भी महीने दो महीने बाहर नहीं जाने दीजिए। जी लॉर्डशिप, अभी रहने दीजिए उनको जी। बाहर की आबो हवा भी अच्छी नहीं है, पॉल्यूशन बहुत है, बहुत ही छोटी उम्र है लॉर्डशिप। और इसमें जो एक मेन कंट्राडक्शन है लॉर्डशिप, बाकी जो माननीय न्यायालय का फैसला आएगा उसे हम मानेंगे, इन्होंने जो सीजर किया है, जब्ती किया हुआ है जी, ये है, इसे मार्क किया हुआ है, ये है पेज नंबर 19 पे, इन्होंने सीजर दिखाया हुआ है थाना बिलखीरिया ने,
ये सीजर इन्होंने कर लिया 14/7/21 को, 14/7/21 को 3 बजे इन्होंने सीजर कर लिया, जबकि गुमशुदगी ही दर्ज हुई 15 तारीख को, घटना ही 15 तारीख की, अरेस्ट ही उसको दस्तयाब ही 16 तारीख को कर रहे हैं। एग्जामिन हो जाइए फिर आ जाइए ना, ठीक है? कर लिया है लॉर्ड सिंह, एग्जामिन हो गया जी लॉर्ड सिंह, उसका स्टेटमेंट दे दी, कहता है कि हमने धोखे से कर दिया, उसका स्टेटमेंट पेश कर दीजिए जी लॉर्ड सिंह। इसमें तभी नहीं रिकॉर्ड टाइम टू प्रोड्यूस स्टेटमेंट्स ऑफ द सीजर विटनेसेस बिकॉज अकॉर्डिंग टू द काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट श्री प्रसन्न नामदेव सीजर वाज मेड ऑन 14th July 2021 वेयर एज केस वाज रजिस्टर्ड बोल लॉर्ड थे ना 15/7/2021 जी लॉर्ड, देयरफॉर देयर कुड नॉट हैव बीन एनी सीजर प्रायर टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द केस फुल स्टॉप लेट द स्टेटमेंट्स ऑफ द सीजर विटनेसेस बी ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड विद इन 7 डेज इन द मीनवाइल श्री शुक्ला मे आल्सो सीक इंस्ट्रक्शंस ऑन द सस्पेक्ट लिस्ट आफ्टर अ वीक ओब्लाइज्ड नंबर 22